टॉप 10 बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया बाय एरिया, रकबे के लिहाज से इंडिया के 10 सबसे बड़े शहर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रकबे के लिहाज से इंडिया के 10 सबसे बड़े शहर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, भोपाल। दोस्तों, इस शहर का कुल रकबा 463 मरबा किलोमीटर है। इस शहर का शुमार मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में किया जाता है, इसलिए यह शहर आज की हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। नंबर 9, जयपुर। राजस्थान की स्टेट में वाकया यह शहर 467 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह इंडिया के मशहूर शहरों में से एक है। नंबर 8, सूरत। दोस्तों, ये शहर गुजरात की स्टेट में वाकया है, जिसका कुल रकबा 474.85 मरबा किलोमीटर है। दोस्तों, ये शहर इंडिया का वाहद शहर है जहां डेली बेसिस पर बजट बनाया जाता है। नंबर 7, अहमदाबाद। 505 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ ये शहर भी स्टेट गुजरात में वाकया है, जो कि इंडिया की बड़ी स्टेट में से एक मानी जाती है। नंबर 6, इंदौरे। मध्य प्रदेश का ये शहर 530 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इंडिया के मशहूर तरीन शहरों में से एक है। नंबर 5, लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ का शहर सब कॉन्टिनेंट की तारीख में खासी अहमियत रखता है। इस शहर में बहुत से तरीकी काम सर अंजाम पाए। ये शहर 631 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश में ही वाकया है। नंबर 4, हैदराबाद। दोस्तों, लखनऊ शहर ही की तरह हैदराबाद भी तारीखी लिहाज से खासी अहमियत का हामिल है। इस शहर का कुल रकबा 650 मरबा किलोमीटर है। ये तेलंगाना स्टेट में वाकया है, जो कि इंडिया की बड़ी स्टेट में से एक है। नंबर 3, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का शुमार इंडिया के कदीम शहरों में होता है, जिसका कुल रकबा 681.96 मरबा किलोमीटर है। यह शहर इंडिया की स्टेट आंध्र प्रदेश में वाकया है। नंबर 2, बेंगलोर। दोस्तों, इस शहर का शुमार इंडिया के तरक्की याफ्ता शहरों में होता है। यह शहर 709 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह शहर कर्नाटक स्टेट में वाकया है। नंबर 1, दिल्ली। दोस्तों, ये इंडिया का कदीम शहर और कैपिटल सिटी है। ये रकबे के लिहाज से इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, जो कि 1484 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।